तो अभी मैं वहीं मौजूद हूं टोल पे, जहां पे कुछ देर पहले जो है लगभग जो मेरठ से जो जनसभा संपर्क करके असदुद्दीन अवैसी जो वापस जा रहे थे तो उन पे जो है फायरिंग हुई और कहा जा रहा है पुलिस ने कि एक आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और बाकी से दो फरार है। कहा जा रहा है चार लोग थे, क्या कहेंगे? हम किठोर के निवासी हैं, अभी हम सदर साहब वहीं से प्रोग्राम करके इधर लौट रहे थे। लगभग 4:30 बजे सदर साहब वहां से निकले हैं और उसके बाद हम लोगों को फोन पहुंचता है कि सदर साहब पर हमला हो गया है। लगभग 5:15 और 5:30 बजे के बीच में ये बात हुई है। तो इस बीच में जैसे वो आ रहे थे या हमलावरों ने सीधा उनको जान से मारने की नियत से गोलियां चलाई हैं और पांच गोलियां चलाने के बाद और जैसे ही यहाँ पर उन्होंने सदर साहब की गाड़ी आगे की ओर सही तो उनके ड्राइवर ने अपनी सूझबूझ दिखाते हुए एक आरोपी के ऊपर गाड़ी चढ़ाई अपने डिफेंस में और गाड़ी चढ़ाने के बाद जब वो वहाँ गिर गए तो पुलिस के अनुसार किसी सचिन नामक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है कि एक शुभम नामक व्यक्ति अभी फरार है। अभी क्या हालात है असदुद्दीन अवैसी, कुछ खबर आपको? सदर साहब बिल्कुल सेफ हैं, उनको कोई गोली नुकसान नहीं हुआ है किसी भी तरह का, उनकी गाड़ी यहाँ मौजूद है, गाड़ी में 4-5 गोलियाँ लगी हुई हैं। क्या लगता है क्यों ऐसा हमला किया गया? विपक्षी दल पूरी तरह से घबराया हुआ है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी तरह से पैर अपने जमा चुकी है। विपक्षी दल इस वक्त घबरा चुके हैं क्योंकि इस वक्त मजलिस का सामना करने वाला कोई नहीं है। क्या लग रहा है आप, क्या कहा गया, कोई आदेश आया आपको? अभी पार्टी की तरफ से कोई आदेश नहीं है, हमारी कोई गाइडलाइन नहीं है। जो पार्टी की तरफ से गाइडलाइन आएगी हम उसी गाइडलाइंस के अनुसार काम करेंगे। बहुत सारे समर्थक जो यहाँ पे मौजूद हुए आ गए हैं, कहाँ से आप, कहाँ से? मैं यहीं से हूँ, नासना से, धोलाना विधानसभा गांव ढवार से हूँ, जिला विधानसभा से। अभी कल वहीं पे रैली हुई थी धोलाना में, कल आए थे असदुद्दीन साहब, परसों गाजियाबाद थे साहिबाबाद में और आज मेरठ से आ रहे थे, तो इस तरीके से घटना को कैसे देखते हैं? बस घटना की हम निंदा करते हैं, गलत हुआ जो भी हुआ, प्रचार करना वोट मांगना सबका अधिकार है और हमारे बैरिस्टर साहब के साथ जो हमला करा है ये गलत करा। हालांकि पुलिस प्रशासन अब काम कर रही है, मुजरिम पकड़ा गया, हथियार पकड़ा गया है और जो है और मीडिया के सामने हम लोगों को बताया कम बोलो, ऊपर से ओवैसी साहब और हमारे पदाधिकारी अंदर बैठे वो सही बोलेंगे, इसमें भी बहुत सारे आदमी कैसे क्या बोल रहे हैं जो हमारी पार्टी से जुड़े भी नहीं है वो भी गलत शब्द बोल रहे हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारे ऊपर से ही आदेश चैनलों पे जो चले वहीं से चले, सही बात बिल्कुल। अभी गुस्सा तो नहीं है? कोई गुस्सा नहीं है, पुलिस प्रशासन हमारा सही काम कर रहा है, पुलिस प्रशासन हमारा काम कर रहा है और हम सरकार से कह रहे हैं उनका पूरा बायोडाटा खोला, कौन लोग थे वो, कौन लोग थे, हाँ उसका बायोडाटा खोला, हमें उसकी कार्रवाई की जरूरत है, कार्रवाई की जरूरत है। क्योंकि कहा जाता है जैसे साहिबाबाद के जब पंडित मनमोहन दास गामा है उनको भी सिक्योरिटी नहीं दी गई है, मिलेगी अब सिक्योरिटी सबको मिलेगी, मिलेगी पुलिस प्रशासन से, सरकार से ही हमारी दरखास्त है, हमारे जितने पदाधिकारी हैं और जो हमारे विधायक लड़ रहे हैं उन सबको सिक्योरिटी देनी चाहिए क्योंकि हम लोग सबके लिए लड़ रहे हैं, खाली अपने लिए नहीं लड़ रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और आपस में हम भाई भाई हैं और हमारा पदाधिकारी कोई भी अगर कोई गलत बोलता हो तो बताओ कुछ सबूत दो। हम तो अखिलेश यादव से मोहब्बत करते हैं, मायावती से मोहब्बत करते हैं, कांग्रेस से भी करते हैं, हम कानून के दायरे में लड़ाई लड़ रहे हैं, सबका हक है, बहुत सारी पार्टी लड़ रही है, सारी पार्टियां लड़ रही है लेकिन हमला सिर्फ असदुद्दीन अवैसी पर। जी जी, ये असल में कुछ खतरात हैं, कुछ जहन ख़राब हैं लोगों के कि भाई कुछ गड़बड़ चल रहा है यूपी में, तो उसको पुलिस प्रशासन बता दे क्या भोकलाया हुआ विपक्ष डरावा है असदुद्दीन अवैसी से, इसलिए असदुद्दीन अवैसी पर हमला हो रहा है, मगर हमें कानून पर पूरा भरोसा है, यकीन है और कानून सही जाँच करके मुजलिमों को सख्त सजा मिलेगी, कानून पे भरोसा है। अभी हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से आप जो ना संविधान पे भरोसा करते हैं और कानून पे हमें पूरा भरोसा है, यकीन है, हमारे इलाके के जो जिम्मेदार हैं पुलिस अधिकारी वो पूरी सख्ती से जांच करेंगे और मुस्लिमों को सख्त से सजा मिलेगी। क्या लगता है विपक्ष के कोई चाल हो सकती है? नहीं नहीं, अभी कोई नहीं बताएंगे, ऊपर पदाधिकारी से बताएंगे, बस ये है कि आपके सामने कार खड़ी है उसका निशान दिखाइए, वायरल करिए, तीन तो इसमें निशान है, बाकी और नीचे को गोली निकली है और हथियार भी पकड़ा गया है और मुजरिम भी पकड़ा गया है, बस ये है कि अच्छे से कार्रवाई हो बस। अभी तक पुलिस की तरफ से कोई बयानबाजी नहीं आई? नहीं, पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है, वो भी कह रहा है पूरी बायोडाटा निकलेगी, हम सब बताएंगे, कोशिश कर रहे हैं, हमें भी ये अच्छा लगा कि फोर्स और पुलिस प्रशासन अच्छे से काम कर रहा है। अभी पीछे जब बताऊंगा कि काफ़ी सारी फोर्स जो यहाँ पे तैनात हो चुकी है, पुलिस ने बता देंगे फिर से आपको बता देंगे, चार लोग थे बाइक से सवार थे जब मेरठ से जो जनसभा करके जब असदुद्दीन अवैसी जब आ रहे थे, आपको बता दें तो साफ तौर मेरे पीछे जो देख सकते हैं, मेरे पीछे जो ये टोल है, ये जासी टोल है, यहीं से वो टोल से आ रहे थे, यही वो टोल थे, यहाँ बता रहे थे कहाँ, यहाँ गाड़ी यहीं बता रहे, यहीं क्या बता रहे हैं, यही टोल बता रहे थे, यहाँ बाइक सवार पहले से गाड़ी में दो चार लोग, ऐसा बताया जा रहा है कि चार लोग यहाँ पे खड़े थे और जैसे ही असदुद्दीन अवैसी साहब आगे बढ़े टोल क्रॉस किया तो उनके ऊपर लगातार जो है 13 से 12-13 राउंड बताया जा रहा ना
सर तीन गोली लगी, तीन चार राउंड लगाए गए गाड़ी पे जो है, दो जो छेद है चार गोली लगी है, जिसमें दो सुराख जो है मैंने आपको दिखाया वो सुराख लगी। हालांकि जेंट सेल्फ डिफेंस में जो ड्राइवर था उसने वैसे कि सूझबूझ लेते हुए समझदारी का काम लेते हुए उन्होंने एक जो आरोपी था उसके ऊपर सेल्फ डिफेंस में जो है गाड़ी चढ़ाई, उसको पकड़ा, दबोचा और तुरंत जो है पुलिस के हवाले कर दिया। अब जो है पूछताछ चल रही है। असद ने वैसे कि जैसे खबर आ रही थी शुरू में कि कहाँ है, घायल है क्या है, लेकिन अब जो खबर आपको बता दें कि ताज़ा खबर यह है कि अभी जो है बिल्कुल ठीक है। खबर आ रही है कि असद ने वैसे बिल्कुल ठीक है। वहाँ के भारी मात्रा में जो उनके समर्थक आप देख सकते हैं मेरे पीछे, भारी मात्रा में जो है ये यहाँ पहुँच चुके हैं। यहाँ से मेरठ से भी कुछ समर्थक यहाँ पे आए। आप कहाँ से हैं? सर मैं लोनी से आया हूँ। देखिए लोनी मेरठ ने बचा दिया उनको परवरदिगार ने, देखो बचाने वाला मालिक है वो, पूरी दुनिया का कायनात का मालिक है, जिसको कैसे कह मैं ऊपरला बचाने वाला उसको कोई मार नहीं सकता चाहे कितनी कोशिश कर ले। लोगों के दुआ काम आ गई जी, बहुत लोगों की दुआएं काम आई और उनकी दुआएं साथ रहती हैं, तमाम लोग उनके लिए दुआ करते हैं। और ये नहीं कि मुसलमान ही करते हैं, उनके लिए दलित हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम लोग उनके लिए दुआ करते हैं।